नमस्कार, आप देख रहे राजधानी समाचार। बात की जाए भोपाल की, भोपाल के उद्यवाई पर चौराहे अमृत इनक्लब में लगातार कई वर्षों से माता जी की मूर्ति बैठ रही है, देख सके। हम बात करेंगे यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, और जो समिति के द्वारा मूर्ति विराजमान हो रही है। दुबे जी, आपका पूरा नाम क्या, कितने वर्षों से मूर्ति विराज रही है आपका? मैं दिलीप दुबे, अमृत इनक्लब निवासी। सन 2000 से ये कार्यक्रम हमारे यहाँ हम लोग निवास करना शुरू किए हैं, और 2002 से माँ भगवती की सेवा निरंतर हम सभी के माध्यम से, समस्त अमृत इनक्लब पूरे परिवार के माध्यम से इसी श्रद्धा भाव से की जा रही है, जो कि आप देख रहे हैं। एक परिवार के माध्यम से ही ये पूरे कॉलोनी वासियों के सहयोग के माध्यम से ही सेवा है। बाहर का हमारा कोई यहाँ पे किसी प्रकार का सहयोग नहीं है, सब हमारे परिवार की सेवा से है। 2 साल तक कोरोना महामारी रही, लोग घर में रहे, घर में रहकर पूजा अर्चना की, इस बार कितना उत्साह खुशी है कॉलोनी वासियों? वो महामारी एक प्राकृतिक आपदा थी, निश्चित ही बहुत हानि हुई है, क्षति हुई है विश्व को, सभी को, और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं भगवती की सेवा में जो आज ये समुदाय हमारे पास व्यवस्थित है। निश्चित है कई जगह दुर्घटनाएं हुई है, कई जगह हानि हुई है, पर बड़े सौभाग्यशाली है कि माँ की सेवा के लिए आज हमारा ये समुदाय उपस्थित है। हम लोगों को बहुत ही दुख हुआ है, 2 साल जो भगवती की सेवा, केवल भगवती की सेवा ही क्या, पूरे विश्व में जब इतनी व्याधा पड़ी हुई थी तो हमने तो उसमें सहयोग दिया है कि हे माँ भगवती, आपकी सेवा तो हम सब स्वस्थ रहेंगे पुनः वापस कर लेंगे, इसलिए सब महामारी से सबको स्वस्थ रखना, यही हमने प्रार्थना 2 साल में भगवती से की है। आप भी साथ में और भी यहाँ के श्रद्धालु हैं जो लगातार सेवा दे रहे हैं अपनी, आप क्या कहेंगे, कितना उत्साह है? हाँ, असल में क्या, 2 साल से, पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी ने ऐसा लोगों को घर के अंदर रखा और काफी तकलीफ में रहे लोग बाग, तो 2 साल का जो भक्ति भावना थी वो इस साल बड़े अच्छे भक्ति भावना और उससे लोग बाग श्रद्धा से अपना पूजा पाठ और जो भी नित्य भजन तो आरती, वो सभी बड़े श्रद्धालु, बड़े भीड़ काफी उमड़ी उस दौरान, तो सभी लोग बड़े उत्साह, मतलब 2 साल जो पिछले रहे वो उसके कारण अभी ये जो रहा वो काफी उत्साहपूर्ण रहा और भक्ति भाव पूर्ण रहा माहौल। दीपावली भी आने वाली है, क्या संदेश रहेगा कॉलोनी वाले वासियों के लिए आपकी ओर से? दीपावली आप सभी को लिए अभी तो भक्ति भावना से सब परिपूर्ण है, और माता सभी को आशीर्वाद दे, सब बढ़िया सुख समृद्धि और सबके, है ना, दीपावली और दशहरे की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। राजेंद्र सिंह राजपूत। लगातार आप देख रहे हैं भोपाल की तमाम कॉलोनियों में इसी प्रकार माता रानी की दिव्य झांकी बैठा ली जा रही है, देख सकते हैं दिव्य स्वरूप में, और आपको भोपाल के तमाम हर कॉलोनी और हर उस सिटी और उस चौराहे से दिखाएंगे जहां पर ऐसे दिव्य दरबार सजे मिलेंगे। राजधानी समाचार दिन की रिपोर्ट भोपाल। कुछ महिलाएं हैं जो लगातार नवरात्रि अपना पूरा समय और माता रानी की सेवा में लगी थी, क्या नाम है, कैसे रहे नवरात्रि? जी, मेरा नाम रचना राजपूत है, और नवरात्रि के तो पूरे 9 दिन ही एकदम मेला लगता रहेगा, जो 2 शरण करोड़ में निकले हुए थे उसके उपलक्ष्य में सभी बहनों ने इस बार जोर शोर से अपनी सारी तैयारी, गरबे की भी तैयारी की थी, और सारी बहनें इकट्ठित होकर, मतलब पूरी कॉलोनी वालों ने एकजुट होकर पूरे कार्यक्रम को भव्य बना दिया हैगा। हाँ, बस यही कि 9 दिन आनंद आ गया है, बाकी पता नहीं चला कि 9 दिन कब निकल गया, और जय शरावाली, जय माता, बस माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे, ऐसी खुशहाली मनाते रहे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।